अचानक से आपातकाल वापस से खबरों में आ गया है। हम आपातकाल के 50वीं वर्षी की तरफ बढ़ रहे हैं। 50वां साल शुरू हो गया है आपातकाल का। 2025 में इस घटना को 50 साल पूरे हो जाएंगे। अगर आपातकाल को सही ढंग से समझना है और तुलना करना है तो ये सब जो फर्क है आज में और 1975 में, इसको समझना पड़ेगा। तो मेरा नाम है मिहिर पंड्या और हमारे साथ हैं इतिहासकार लेखक ज्ञान प्रकाश। ज्ञान जी की किताब जो अंग्रेजी में इमरजेंसी क्रॉनिकल्स नाम से प्रकाशित है, बहुत जल्द आप लोगों के हाथ में आने वाली है हिंदी अनुवाद के तौर पे। किताब का शीर्षक है आपातकाल आख्यान। तो ज्ञान जी, सबसे पहले तो बधाई। थैंक यू। और मैं इस किताब का हिंदी अनुवादक हूँ, तो अनुवादक होने के नाते एक बधाई मैं भी ले लेता हूँ। ज्ञान जी, पहले तो मेरा यही सवाल रहेगा कि इस किताब का हिंदी में आना आपके लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हमारी अनुवाद के दौरान भी बात हो रही थी, इवन जब अनुवाद की परियोजना शुरू हुई तब भी आपने कहा था कि आप चाहते हैं कि ये किताब हिंदी में आए, क्योंकि वो आपके लिए बाकी किताबों के मुकाबले शायद ज्यादा खास है इस किताब का हिंदी में। पहले तो मुझे बहुत खुशी है कि हिंदी में अनुवाद अब प्रकाशित हो रहा है और आपका आभारी हूँ कि आपने अनुवाद किया। इस किताब को लिखते समय और जब वो अंग्रेजी में प्रकाशित हुई तो मुझे ये बहुत खेद हुआ कि ये किताब मैं हिंदुस्तान के लिए लिख रहा हूँ, हिंदुस्तान के बारे में है, लेकिन हिंदुस्तान में बहुत से जो हिंदी लिखते पढ़ते हैं उनके पास ये किताब नहीं पहुंच पाएगी। और मेरा ये विश्वास था कि बहुत लोग हिंदी वालों को इस किताब में रुचि होगी, इसलिए मैं चाहता था कि हिंदी में अनुवाद हो। और इसी बीच मैंने जब किताब आई तो यूट्यूब में मैंने देखा किसी ने हिंदी में इसका विश्लेषण किया, बहुत 5-10 मिनट लगा के, और उन्होंने जब विश्लेषण किया तो मुझे ये और विश्वास हो गया कि इसका हिंदी में अनुवाद होना ही चाहिए। तो इसलिए आपने जब ये काम संभाला तो बहुत खुशी हुई कि आपने किया। मेरे लिए भी बड़ा दिलचस्प और शानदार अनुभव था, क्योंकि ये किताब दरअसल हिंदी प्रदेश के बारे में है। इस किताब का जो मुख्य हिस्सा है वो इस जिसे हम हिंदी पट्टी कहते हैं, इसी की राजनीति से बनता है, इसी की राजनीति से निकलता है। तो इस भाषा के लोग इस किताब को पढ़े। अचानक से आपातकाल वापस से खबरों में आ गया है। हम आपातकाल के 50वीं वर्षी की तरफ बढ़ रहे हैं। 50वां साल शुरू हो गया है आपातकाल का। 2025 में इस घटना को 50 साल पूरे हो जाएंगे। 2024 में खड़े होकर अगर आपातकाल को वापस देखा जाए तो क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जो सबक के तौर पर याद रखी जा सकती हैं? और ये भी सवाल है कि ये किताब आपातकाल के दौर को, क्योंकि इस तरह की कई और किताबें इस दौर पे लिखी गई हैं, ये शोध का विषय रहा है, कैसे ये किताब कैसे अलग तरह से दिखती है आपातकाल के समय को, या क्या नए पर्सपेक्टिव से दिखती है? आजकल फिर आपातकाल की चर्चा हो रही है, वापस चर्चाओं में आ गया है जी। और बहुत से आलोचक उसको अघोषित आपातकाल आज के समय को कहते हैं। मेरा सोचना है कि वास्तव में आज की जो समस्या है, आज की जो लोकतंत्र की जो गंभीर समस्या है, वो अघोषित आपातकाल कहने से पूरी उसकी समझ नहीं आती, उसकी गंभीरता समझ नहीं आती, नहीं समझ आती है। और इसके कारण ये है कि आज के समय जो हो रहा है, जो 1975 के तुलना में अलग है, वो ये है दो बात। एक तो बात ये है कि आज जो लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उसमें हिंदू राष्ट्र बनाने का एक प्रोजेक्ट संबंधित है, वो उस समय नहीं था।
दूसरी बात ये कि इंदिरा गांधी के पास, इंदिरा गांधी की कमजोरी के कारण उन्होंने प्रेस पर सेंसरशिप की। आज इनको सेंसरशिप की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि लोग जैसे कहते हैं गोदी मीडिया तो उनके पास है जी, और उनको जितना जो भी कहना है वो उनकी गोदी मीडिया उसको प्रसारित करती है। तो जितना मिनिस्ट्री मीडिया भी एक तरह से उसी आपातकाल की सत्ता का हिस्सा है, हिस्सा है। और तीसरी बात यह है कि स्टेट मशीनरी के अलावा अभी सत्ता को एक जमीनी फौज मौजूद है जो इंदिरा गांधी को नहीं थी। इंदिरा गांधी के पास यूथ कांग्रेस थी, लेकिन यूथ कांग्रेस की कोई असर नहीं था। इनके पास आरएसएस है, इनके पास बजरंग दल है, इनके पास बहुत तमाम ऐसे जमीनी ताकतें हैं जिससे वो विपक्ष को कुचल सकती। तो अगर आपातकाल को सही ढंग से समझना है और तुलना करना है तो ये सब जो फर्क है आज में और 1975 में, इसको समझना पड़ेगा। और इस फर्क को समझने के लिए भी इतिहास को समझना पड़ेगा कि क्यों आज हम हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, क्यों हम न्यू लिबरलिज्म की बात कर रहे हैं, क्यों आज लोकतंत्र के सामने एक दूसरी चुनौती है कि आर्थिक असमानता, सामाजिक असमानता बढ़ते चली जा रही है और पिछले 10 साल में और बढ़ी है। तो अगर इसको समझना है तो केवल आज तक अपने को सीमित नहीं रखना पड़ेगा। और क्योंकि मैं इतिहासकार हूं तो मैं बोलूंगा ही कि इतिहास को देखना जरूरी है, लेकिन वाकई में अगर आज की समस्या को समझना है, आज के लोकतंत्र की क्या चुनौती है उसको समझना है तो पीछे जाना पड़ेगा। अच्छा, एक और चीज जो किताब पढ़ते हुए मुझे बड़ी खास लगी इसमें, आप जब अलग अलग अध्याय किताब के लिख रहे हैं तो हर अध्याय की एक अलग एनर्जी है। वो एक भाषा इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति के तौर पे जब मैं अनुवाद कर रहा था तो भाषा को कैसे बरतना है उसके लिए भी मुझे थोड़ा सा उसमें चुनौती का सामना करना पड़ा, बदलाव लाना पड़ा, मैं कहूँगा एक निरंतरता बनाए रखते हुए भी। तो इतिहास को देखने के कई नजरिए होते हैं, आप सिर्फ वहां से खड़े होकर नहीं देख रहे हैं इस किताब में जो इंदिरा गांधी आपातकाल लागू कर रही हैं, आप वहां से भी खड़े होकर देख रहे हैं जिन लोगों पे आपातकाल लागू हो रहा है, जिन्हें शायद पता भी नहीं है उन सत्ता के गलियारों के बारे में जहां ये फैसले लिए जा रहे हैं, लेकिन जिनकी जिंदगियां बदल जा रही हैं। तो आप सिर्फ इंदिरा गांधी के हवाले से ही ये कहानी नहीं कह रहे हैं, आप सिर्फ संजय गांधी के हवाले से ये कहानी नहीं कह रहे हैं, आप एक JNU में पढ़ने वाले छात्र के हवाले से भी ये बात कह रहे हैं, आप तुर्कमान गेट के उन लोगों के हवाले से भी ये कहानी कह रहे हैं, आप उस दौर को उपन्यासों में, कहानियों में लिखने वाले कहानीकारों, उपन्यासकारों के हवाले से भी ये बात कह रहे हैं, आप उन लोगों के हवाले से भी कह रहे हैं जो जेल में बंद थे, आप उन लोगों के हवाले से भी कह रहे हैं जो उन्हें जेल में बंद कर रहे थे, जो सत्ता के ऐसे सिपहसालार थे जो उन हुक्मों को बजा ला रहे थे जो उन्हें हुक्म दिए जा रहे थे। तो ये अलग अलग कहानियां, एक तो इतिहासकार के तौर पे ये अलग अलग नजरिए किताब में लाना कितना मुश्किल होता है, क्योंकि मैं हमेशा सोच रहा था कि एक नैरेटिव में इसको बिल्ड करना, एक कहानी के तौर पर इसे सुनाना कितनी बड़ी चुनौती है, कि वो निरंतरता भी ना टूटे लेकिन आप अलग अलग नजरियों से उसे एक ही परिघटना को, एक ही समय को देख पाए, ये कैसे हुआ? मेरे लिखने के शैली में और जब मैं इतिहास लिखता हूं तो मेरी हमेशा कोशिश ये रहती है कि इतिहास के जो अलग अलग पहलू हैं उन सब को देखूं। जैसे एक उदाहरण लेता हूं, जो किताब में एक चैप्टर है मधु दंडवते और प्रमिला दंडवते जो दोनों जेल में थे, एक पूना में थे एक बेंगलोर में थे, और जेल में उन लोगों का पत्र का आदान प्रदान हुआ, और उस पत्र में जो मेन सब्जेक्ट था वो साहित्य था, वो कविता थी
और वो कविता और साहित्य के साथ एक दूसरे के विचार का आदान प्रदान कर रहे थे और अपने एक दूसरे के प्रेम को भी उसी तरह एक्सप्रेस कर रहे थे। तो मैं सोचा कि अगर इमरजेंसी और आपातकाल के समय का अगर पूरा अगर इतिहास लिखना चाहता हूँ तो वो को राजनीति तक सीमित नहीं रहना, क्योंकि जिंदगी केवल राजनीति नहीं है, जिंदगी में बहुत से पहलू हैं और उन पहलू में साहित्य भी है, कविता भी है, सिनेमा भी है। तो और ये मधु दंडवते और प्रमिला दंडवते के जो आदान प्रदान हुए उनकी चिट्ठियों से पूरी प्रेम कहानी है जो उन चिट्ठियों में सामने आ रही है। और कुछ इससे तो उसके क्या कहूंगा मैं बहुत मुझ पे बहुत असर हुआ उन हिस्सों का अनुवाद करते हुए भी। और वो बड़ी चुनौती भी थी कि कविताओं का अनुवाद करना या ऐसे अंशों का अनुवाद करना जो बहुत पोएटिक लैंग्वेज में लिखे गए हैं, जिसमें वो कह रही कि हमारे हिस्से तो इतना ही आसमान है और वो अपने हिस्से के आसमान के बारे में बता रही हैं दूर बैठे हुए अपने पति को। और एक बड़ा दिलचस्प बिंदु है जहाँ पे उन्हें लगता है कि शायद उनकी मुलाकात हो सकती है और फिर वो मुलाकात की इजाजत के लिए कुछ ऐसे क्लॉज लगाए जाते हैं कि वो मुलाकात नहीं होती है। और फिर वो एक दूसरे को पता नहीं मैं अनुवाद करते हुए उस बिंदु पे क्या क्या संदर्भ याद कर रहा था। मुझे रामायण में सीता और राम के बीच का वो संवाद याद आ रहा था जहाँ पे वो चिट्ठी भेजती हैं हनुमान के साथ में, और तुलसीदास ने उसको बड़ा सुंदर लिखा। मैं साहित्य का विद्यार्थी रहा हूँ तो मुझे वो अंश याद आ रहा था कि हम मिल तो नहीं पाए वो जब प्रमिला दंडवते लिख रही है, लेकिन तुम मान लेना कि ना मिलने की वजह क्या थी इसको लेकर। और उसको देखने से वो उसको पढ़ने से एक और पहलू नजर में आया वो कि हम लोग जनरली आजादी को केवल राजनीतिक ढंग से समझते हैं, बोलने की आजादी, यहाँ चलने फिरने की आजादी, लेकिन उन उनके पत्र से एक आजादी का दूसरा पहलू सामने नजर आता है, वो प्रेम करने की आजादी, एक दूसरे से मिलने की आजादी, जो केवल राजनीति या कानून के बारे में नहीं है, वो आजादी केवल उस पहलू के बारे में नहीं है लेकिन आपने आपके पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में। तो या एक एक जगह पे वो बात करते हैं अपने बच्चे के बारे में कि हमने जो किया उसका फल हमारा बेटा क्यों भुगते, और संतान हो या ना हो इसका फैसला जब कोई आंदोलन में कूदता है तो उसके सामने किस तरह की दुविधाएं आती हैं। और ये आपने पीछे ले जाके उसकी तुलना भगत सिंह के दौर के आंदोलनकारियों से भी की है, तो कहीं ना कहीं वो अनुभव हर आंदोलनकारी के सामने आते हैं कि उसकी परिवार के प्रति क्या जिम्मेदारी है और एक बड़े कॉज के प्रति जब वो अपनी जिंदगी देने का फैसला करता है तो इन दोनों चीजों के बीच में बैलेंस कैसा होता है। यहाँ पे तो दोनों पति पत्नी जेल में हैं और पता नहीं जेल कितनी लंबी चलेगी। आज पीछे लौट के देखना बड़ा आसान है उन चिट्ठियों को, लेकिन वो चिट्ठी लिखते हुए तो शायद प्रमिला दंडवते को नहीं पता होगा कि 21 महीने हैं या कितने साल हो सकता है, कि कब मुलाकात होगी या नहीं होगी या ना होगी। और ये भी है ना कि राजनीति में जो लोग थे या वो स्टूडेंट रहे हो, युवा रहे या वरिष्ठ नेता रहे, उनका जीवन केवल राजनीति तक सीमित नहीं था। वो फिल्म भी देखते थे, वो कविता भी पढ़ते थे, वो लिटरेचर भी पढ़ते थे। तो आपातकाल का जो एक्सपीरियंस था उसको पूरी तरह समझने के लिए मैंने सोचा कि केवल राजनीति तक उसको सीमित नहीं करना चाहिए, उससे पूरा माहौल नहीं बनेगा। तो इसीलिए मैंने तरह तरह की चीजें को देखना शुरू किया। आप राही मासूम रजा के कटरावी आरजू तक गए उस अनुभव को जानने के लिए कि आपातकाल के दौर का एक लेखक उसको उस रियलिटी को अपने फिक्शन में कैसे रिक्रिएट कर रहा है। और आप इसी तरह से सिनेमा की तरफ गए, तो आपने श्याम बेनेगल की दो फिल्मों के बारे में काफी विस्तार से बात की है, वो बताइए ये एक उस समय
एक तो समय था ना 74-75 का, कि देश में काफी रोष था और वो रोष जेपी मूवमेंट में भी देखने मिला। उसके अलावा नक्सलवादियों का उस समय चल रहा था, तो मैंने सोचा कि आपातकालीन की जो समस्या थी, जो क्राइसिस थी हिंदुस्तान की, उसको पूरी तरह समझने के लिए मुझे अपना नजरिया बड़ा करना होगा और सिनेमा को भी देखना होगा, क्योंकि सिनेमा में भी वो जो आक्रोश था उसको दिखाने की कोशिश की। जिसकी बहुत प्रचलित व्याख्या एंग्री यंग मैन के अमिताभ के किरदार से जोड़ के भी की जाती है, लेकिन आपने बड़े दिलचस्प तरीके से पैरेलल सिनेमा की फिल्मों को, खासतौर पर श्याम बेनेगल की फिल्मों को उठाया है। और ये किताब पढ़ने के बाद में मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि अमिताभ के किरदार के बारे में इतनी बात हुई, लेकिन नसीरुद्दीन शाह का जो गुस्सा है या वो अंकुर में जो आखिर में फेंका गया पत्थर है, ये या शबाना आजमी का जो वो फट पड़ना है उस उनके क्लाइमेक्स शॉट के अंदर, ये सारा गुस्सा भी रिप्रेजेंटेटिव या एक प्रतिनिधि हो सकता है फिल्मों के अंदर। आप फिल्मों के बारे में बात करते हुए आप केवल पैरेलल सिनेमा तक ही नहीं गए, आप डॉक्यूमेंट्री सिनेमा पे भी गए। और एक बड़ी मेरी पसंदीदा फिल्म है जिसकी आपने यहाँ पे बड़ी विस्तार से बात की है, IM-20। और ये भी एक किताब की खास बात है, मुझे लगता है कि ये केवल 75 से 77 के इस पीरियड को एक वैक्यूम में नहीं देखती है, आप उससे काफी पहले से अपनी बात शुरू करते हैं और उस पृष्ठभूमि को समझाने की कोशिश करते हैं और बैकग्राउंड को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो थोड़ा सा ये भी बताइए कि आपातकाल के पहले यानी 1975 के पहले क्या चीजें हो रही थी, ये जो जलजला आया ये अचानक से नहीं आया, इसके पीछे मेघखंड कैसे एकत्र हो रहे थे। मेरे ख्याल से ये 1965-66 से एक देश में एक होड़ चल रहा था, रोष बढ़ रहा था, और केवल हिंदुस्तान में नहीं ये दुनिया भर में हो रहा था। बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, अमेरिका, फ्रांस, सब जगह एक जो नई पीढ़ी का की जो का रोष था पुराने व्यवस्था के खिलाफ, वो सब जगह हो रहा था और उसकी एक झलक हिंदुस्तान में भी देखने को मिलती है। तो मैंने ये सोचा कि आपातकालीन समय की जो समस्या थी, जो क्राइसिस थी, उसको ये दुनिया की नजर से देखना भी जरूरी है और इस ये पीछे कहाँ तक जाती है ये भी जानना जरूरी है। तो जो बोध होता है ग्लोबल और जो हिस्ट्री में पीछे जाता है दोनों की, तो आप एक तरफ अपना फलक बड़ा कर रहे हैं, आप जब भारत की बात कर रहे हैं तो आप साउथ एशिया की भी बात कर रहे हैं, आप यूरोप की भी बात कर रहे हैं, आप अमेरिका की भी बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप समय में पीछे जा रहे हैं, तो आप उस लम्हे पर लेके जा रहे हैं जब भारत आजाद हो रहा था या भारत का संविधान लिखा जा रहा था, या उससे भी थोड़ा और पहले जाएं तो आप द्वितीय विश्व युद्ध की समय से ही इस बात को शुरू कर रहे हैं, क्योंकि भारत का संविधान लिखे जाने की कहानी भी केवल 1947 से 50 के बीच तक सीमित नहीं है, उसके पीछे भी एक पृष्ठभूमि है। मेरा यू भी सोचना था, मेरी ये दलील है कि आपातकालीन का जो का इतिहास है, और अगर आप 1945 तक वापस जाए तो इससे और से दुनिया और दुनिया में भी जो हो रहा है उसकी भी समझ हो सकती है, क्योंकि उनको भी इससे कुछ सीखने का मौका मिल सकता है। जैसे हम दूसरे देश की इतिहास को देखते हैं, उससे कुछ सीखते हैं, समझते हैं, वो भी हमारे इतिहास को देख के कुछ समझेंगे कि उनके यहाँ क्यों हो रहा था। जैसे हिंदुस्तान में 71-72 के बाद खास तौर पे राजनीति में काफी तोड़ मरोड़ आना शुरू हुआ। उसका अगर मैं कारण खोजूं और पीछे चली जाऊं, चला जाऊं, उसी तरह अमेरिका में भी अगर वहां वाटरगेट क्राइसिस होता है 1973, अगर उसको आप समझना की कोशिश करें तो हो सकता है कि आप हिंदुस्तान की आपातकालीन की इतिहास पढ़े कि अच्छा अगर वहां ऐसा हो रहा था और उसके कारण
1945 तक चले आते हैं, तो हो सकता है यहाँ भी वाटरगेट की केवल घटना के तौर पे नहीं है, वो भी पीछे उसकी कहानी भी पीछे जाती है। और वो जो लम्हा था जिसपे आपने काफी विस्तार से बात की संविधान को लिखे जाने का, मैं उसमें एक जगह याद कर रहा था जहाँ पे संविधान सभा के सदस्य एक तरफ वो छोटे छोटे क्लॉजेस पे, अनुच्छेदों पे, उसकी धाराओं पे, उपधाराओं पे बहसें कर रहे हैं, और दूसरी तरफ उसी के बीच में ये सवाल उठ रहा है कि बाहर दंगे हो रहे हैं, हम पहुंचे कैसे संसद तक, हमको पास दिलवाइए, है ना, हमको रस्ते में पुलिस रोक लेती है, जान बचेगी तो संविधान लिख पाएंगे। तो एक तरफ बाहर जलजला आया हुआ है, उसके बीच में कुछ लोग बैठ के एक कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे हैं। आप क्या इस लम्हे में जब ले जा रहे हैं हमें, तो ये भी इशारा है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के अंदर जो आपातकालीन प्रावधान है, इन्हें समझने के लिए उस समय को समझना जरूरी है। इस समय उसको समझना इसलिए जरूरी है कि संविधान में बहुत से अनुच्छेद ऐसे हैं जो सत्ता को बहुत मजबूत करती है। ये क्या बात है कि हिंदुस्तान के संविधान जो आजादी का संविधान था, उसमें ब्रिटिश उपनिवेशवाद के जो संविधान थे उसकी 80% अनुच्छेद इसमें लाए गए। क्यों लाए गए? और उसके उसके कारण ये थे कि जब संविधान लिखा जा रहा था तो उस समय देश का विभाजन और सब भी बहुत से जो यहाँ पे, बल्कि देश का विभाजन बीच में होता है, संविधान सभा के गठन के बाद, तो उस समय ये समझ होती है कि ये अराजकता को खत्म करने के लिए एक बहुत मजबूत स्टेट की जरूरत है। इसीलिए एक तरफ तो वो कर्फ्यू पास मांग रहे हैं, और दूसरे तरफ वो कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में बिल्कुल इस तरह के डिस्कशन कर रहे हैं कि बाकी कुछ बात कर रहे हैं, बाहर कुछ हुआ ही नहीं। क्योंकि ये उनका एक विश्वास था कि इस संविधान से हम एक ऐसी सत्ता बनाएंगे, ऐसी मजबूत सत्ता बनाएंगे जो इस अराजकता को, जो अराजकता को खत्म कर सके, और हिंदुस्तान में परिवर्तन भी, सामाजिक परिवर्तन भी ला सके, दोनों काम कर सके। तो एक तरफ तो ये पहलू है संविधान का, दूसरी तरफ ये पहलू है कि संविधान ने बहुत सारे वादे जो किए, उन वादों की एक प्रतिध्वनि आपको 60 के दशक के अंत में, 70 के दशक की शुरुआत में सुनाई देने लगती है। तो जो आक्रोश की आप बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, उस आक्रोश में कहीं ये भी कहा जा सकता है कि संविधान के बहुत सारे वादे जब पूरे होते नहीं दिखते हैं, या लोग संविधान को क्लेम करने लगते हैं, संविधान के उन वादों को क्लेम करने लगते हैं, वो आक्रोश में कहीं ये भी था कि जिस बराबरी की बात की गई वो बराबरी, या जैसा आपने अपनी किताब में अम्बेडकर को कोट किया है, उनका वो काफी जबरदस्त और चर्चित भाषण जो संविधान सभा की बैठक में उन्होंने दिया था 26 नवंबर वाला, कि हम एक ऐसा राज्य बना रहे हैं जहाँ पे आर्थिक, जहाँ राजनीतिक एक वोट बराबर, एक व्यक्ति बराबर एक वोट का सिद्धांत लागू होने वाला है, लेकिन आर्थिक समानता और सामाजिक समानता नहीं है। तो ये चीजें, ये विरोधाभास कैसे आगे चलेगा, तो वो विरोधाभास की आवाजें सामने आते शायद 15-20 साल लगते हैं, फिर आपातकाल का जो समय है उसकी जमीन शायद यहीं से तैयार होना शुरू। एक तो ये है कि उस समय का जो विरोध है वो विरोध ज्यादातर जो वादा था वो वादा नहीं निभाने के खिलाफ, कि आपने ये वादा किया था, आपने बेरोजगारी खत्म करने का वादा किया था, सबको खुशहाल करने का वादा किया था, वो सब कुछ नहीं हुआ। तो एक नाराजगी थी सरकार से और सत्ता से, नाराजगी थी। अब जो नाराजगी है उस नाराजगी से थोड़े अलग है। अब नाराजगी ये है कि जो अंबेडकर वाली के आर्थिक और सामाजिक असमानता बढ़ती चली जा रही है, और जो ये असमानता है और राजनीतिक समानता में जो
गहरी खाई है वो बढ़ती चली जा रही है। तो अब जो रोष है वो अलग तरह का रोष है। तो इसीलिए जेपी आंदोलन के समय या उसके पहले गुजरात में उसके आंदोलन के पहले जब स्टूडेंट्स और युवक लोगों की जो रोष थी वो व्यवस्था के खिलाफ सामाजिक समानता के लिए नहीं थी। अब वो अलग हो रहा है। ठीक है, मेरे ख्याल से लोगों के हाथ में किताब पहुंचेगी तो ये बातचीत कुछ और आगे बढ़ेगी और हमें इंतजार करना चाहिए। तो हम दोबारा से एक बार मिलके बात करते हैं और तब जब पाठक किताब को पढ़ेंगे और उनके सवाल भी हमारे पास में होंगे तो ये बातचीत में एक और नया पहलू जुड़ेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया ज्ञान जी इस किताब को लिखने के लिए, और ऐसे ही आगे दिलचस्प चीज़ें हमारे लिए लिखते रहिए। और धन्यवाद अनुवाद करने के लिए। आप लिखते रहें, हम उन्हें हिंदी में लाने की कोशिश करते रहेंगे इसी तरह से। शुक्रिया।